नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में शिवहर सीट की। 2019 में यहाँ से कौन बनेगा सांसद। बिहार का सबसे छोटा और आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़ा जिला है शिवहर। यहाँ बाढ़ एक प्रमुख समस्या है। बारिश एवं बाढ़ के दिनों में इसका संपर्क पड़ोसी जिले से पूरी तरह कट जाता है। यह जिला पहले मुजफ्फरपुर और उसके बाद सीतामढ़ी जिले का अंग रहा है, लेकिन 6 अक्टूबर 1984 को शिवहर एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आया। आपको बता दें कि शिवहर राज्य का इकलौता संसदीय क्षेत्र है। इसके अंतर्गत इस जिले का सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र आता है। यह संसदीय क्षेत्र 3 जिलों का 6 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बना है। इस संसदीय क्षेत्र में पूर्वी चंपारण के जिले के 3 क्षेत्र मधुबन, चिरैया और ढाका, शिवहर जिले का शिवहर व सीतामढ़ी जिले का रीगा और बेलसंड विधानसभा क्षेत्र शामिल है। बात 80 के दशक की करें तो साल 1980 और 1984 में यहाँ कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, लेकिन 1989 में यहाँ जनता दल ने जीत हासिल की और यहाँ से हरिकिशोर सिंह सांसद बने। वे लगातार 2 बार इस सीट पर विजयी हुए। साल 1996 में यहाँ पर समता पार्टी की जीत हुई और सांसद बने आनंद मोहन सिंह। इसके बाद 1998 में वे राजद के टिकट पर एमपी बने। साल 1999 में यहाँ राजद ने बाजी मारी और साल 2004 में भी ये सीट राजद के ही नाम रही और सीताराम सिंह सांसद चुने गए। उसके बाद साल 2009 में ये सीट भाजपा के नाम हो गई और रमा देवी यहाँ से लोकसभा पहुँची। साल 2014 में भी उन्होंने दोबारा से यहाँ जीत दर्ज की। शिवहर की बाजिका एवं हिंदी मुख्य भाषा है। 2014 में इस सीट से बीजेपी की रमा देवी जीत कर सांसद बनी। शिवहर क्षेत्र राजपूत बहुल सीट माना जाता है। यहाँ की सियासत पर राजपूत समाज का खासा प्रभाव है और चुनावी नतीजों में इसका साफ असर दिखता है। इस संसदीय क्षेत्र में वोटरों की कुल संख्या की बात करें तो 12,69,056 वोटर है। इनमें से अगर बात करें तो 5,91,390 महिला वोटर हैं और 6,77,666 पुरुष मतदाता हैं। शिवहर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा जैसी शख्सियतों ने भी किया है। जुगल किशोर सिन्हा को भारत में सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। उनकी पत्नी राम दुलारी सिन्हा को भी भारत स्वतंत्रता सेनानी थी। देश के स्वतंत्र होने के बाद जब पहला चुनाव हुआ तो इस सीट का नाम था मुजफ्फरपुर नॉर्थ वेस्ट सीट। 1953 में कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा जीत कर लोकसभा पहुँचे। 1957 के चुनाव में पुपरी सीट के नाम से यहाँ लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस के दिग्विजय नारायण सिंह, 1962 के चुनाव में राम दुलारी सिन्हा, 1967 में एसपी साहू और 1971 में हरिकिशोर सिंह चुनाव जीतकर लोकसभा पहुँचे। इसके बाद इस संसदीय सीट का नाम शिवहर हो गया। इमरजेंसी के बाद देश भर में इंदिरा गांधी के खिलाफ नाराजगी थी और इसका असर 1977 के चुनाव में इस सीट पर भी देखने को मिला था, जब जनता पार्टी के ठाकुर गिरजा नंदन सिंह यहाँ से चुनाव जीतकर कांग्रेस को धूल चटाई। लेकिन 1980 और 1984 के लोकसभा चुनाव में फिर कांग्रेस के टिकट पर राम दुलारी सिन्हा चुनाव जीतने में कामयाब रही। 1989 के चुनाव में जनता दल ने यहाँ से सियासी उलटफेर किया। जनता दल के टिकट पर 1989 और 1991 में हरिकिशोर सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इस बार सीट पर मुख्य रूप से महागठबंधन और एनडीए के बीच लड़ाई है। महागठबंधन से राजद के प्रत्याशी सैयद फैजल अली चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के भाजपा प्रत्याशी वर्तमान सांसद रमा देवी है। अब 2019 में
वहाँ की जनता किसे फिर से अपना सांसद चुनकर दिल्ली भेजती है, ये आपका निर्णायक मत डिसाइड करेगा कि किसे आप फिर से अपना सांसद बनाना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ लाइक कीजिए। धन्यवाद।